हांजो एक ऐसा हीरो जो स्टार्ट गेम एंड एंड गेम दोनों में ही काफी सही तरीके से परफॉर्म करता है। हांजो अगर किसी टीम में प्रो खेल ले तो पूरा टीम का रुख ही पलट सकता है, क्योंकि हांजो एक अकेला ऐसा हीरो है जिसके तुम सिर्फ सोल को ही मार सकते हो, मतलब हांजो के रियल बॉडी को टच करने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो हांजो काफी एक स्ट्रॉन्ग हीरो है, बट वो काफी ज्यादा वीक भी बन जाता है अगर तुम उसे खेल नहीं सके। तो ही गाइस, आई एम सौरभ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डार्क एलायंस। तो यार आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हांजो से तुम्हें कब पिक करना चाहिए, हांजो से कब तुम्हें कैसे खेलना चाहिए, हांजो का बेस्ट बिल्ड, हांजो का बेस्ट एम्ब्लेम एंड हाउ टू प्ले विद हांजो। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हांजो के एम्ब्लेम के ऊपर। अगर हांजो का एम्ब्लेम तुम्हें क्या लेना है, सबसे पहले देखो तुम्हें फाइटर की एम्ब्लेम ले लेने की है एंड मेरी लेवल 42 है, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो देखो यार, सबसे पहले फाइटर में तुम्हें फिजिक अटैक 3 ले लेने का है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें सेकेंड वाले लाइन पर लेना है फिजिक पेन 3, ठीक है। मेरे पास 2 ही ले सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल थोड़ा कम है। एंड उसके बाद मेन वाली जो होती है वो सिलेक्शन तुम्हें करनी है, वो शॉर्ट वाली, ठीक है, ये वाली जो कि तुम समझ ही लोगे पढ़ के यहाँ पर क्या लिखा है। बाय द वे तुम इसको ले लेना। तो यह बिल्कुल चांस की एम्ब्लेम सेटिंग जो कि तुम देख ही सकते हो अपने आंखों के सामने। बाय द वे अभी हम बात करते हैं हांजो के स्किल्स एंड बिल्ड के ऊपर। सो गाइस यार, मैं तुम्हें समझाने के लिए डायरेक्टली लेके आ चुका हूँ प्रैक्टिस मोड के अंदर, कि यहाँ पर मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगा, ठीक है। ये तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैटल स्पेल के बारे में। तो यार बैटल स्पेल आप ले सकते हो डायरेक्टली ये वाली जिसका नाम है रेट्रीब्यूशन। भाई हाइपर वाली, मतलब अगर तुम बैटल स्पेल लेते हो तो इसमें तुम्हें सबसे सही फ़ायदा मिलता है, ठीक है। वरना भाई हांजो का कोई और बैटल स्पेल में फ़ायदा नहीं मिलता, तुम डायरेक्टली तुम इसको ही चॉइस कर लेना, ठीक है, रेट्रीब्यूशन को। तो जल्दी चलते हैं इसके बिल्ड के ऊपर। भाई अगर हांजो के मैं बिल्ड के बारे में बात करूँ तो यार हांजो का सबसे सही बिल्ड मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट के लिए मैंने फिजिक डिफेंस वाले मूवमेंट लगाई है। अब देखो यार, ये ग्लोबल का नंबर 1 हांजो जो भी है उसका ही बिल्ड है, ठीक है, सबसे प्रो हांजो का बिल्ड है। तो तुम यहाँ से देख लो जो कि सबसे ज़्यादा तो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेन तुमको करके देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें बूट ले लेने का है जो कि डिफेंस बूट है, डू यू नो, ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। देखो डिफेंस बूट में क्या मिलता है तुम्हें, 40% मूवमेंट स्पीड मिलता है, 22% फिजिकल डिफेंस मिल जाता है जो कि फिजिकल डिफेंस बूट है। उसके बाद तुम्हें अटैक स्पीड वाली बूट ले सकते हो जिसमें तुम्हें 40% अटैक स्पीड मिलती है। अब सॉरी, बूट नहीं, बिल्ड, ठीक है। तुम्हें 40+% अटैक स्पीड मिलती है, प्लस 20 तुम्हें वो मिलता है मूवमेंट स्पीड एंड प्लस 10% सिटी जो भी है क्लिंचर्स, ओके, ये मिलता है तुम्हें। एंड उसके बाद तुम्हें मिल जाता है थर्ड वाली बिल्ड में डिफेंस बिल्ड, ठीक है। अब देखो हांजो का हर वक्त तो, मतलब क्या होता है, हांजो का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा लो होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इसके लिए मैंने थर्ड पे डिफेंस बिल्ड को रखा है। डिफेंस बिल्ड में तुम्हें 5% डिफेंस बिल्ड मिल जाता है, ठीक है, मूवमेंट स्पीड मिल जाता है, सॉरी 5% मूवमेंट स्पीड। एंड बाई द वे तुम यहाँ से देख सकते हो तुम्हें 70% फिजिकल डिफेंस मिल जाता है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी सही है, जो कि तुम्हें फिजिकल हीरोज से काफ़ी हेल्प करेंगे लड़ने में, जैसे कि एलुकार्ड हो गया, सिलोंग हो गया, इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे फिजिकल हीरोज। एंड प्लस 500 माना, इसको तुम छोड़ ही लो। एंड सीरी एडिशन भी मिलता है 10%। उसके बाद फोर्थ नंबर बिल्ड है, उस पर मूवमेंट स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है हांजो के हर एक बिल्ड में, क्योंकि देखो यार हांजो जब तुम यूज़ करते हो तुम्हें मूवमेंट स्पीड काफ़ी सही होता है, क्योंकि इनेमी के तुम्हें चैस करके मारना पड़ता है, वरना तो इनेमी ऐसे ही भाग जाएंगे हांजो से, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें मूवमेंट स्पीड का हर बिल्ड में ध्यान रखा गया है यहाँ पर। तो देखो तुम्हें 5% मूवमेंट स्पीड मिलता है इस बिल्ड पर भी, एंड तुम्हें 25% अटैक स्पीड मिलता है जो कि काफ़ी हद तक सही है, एंड प्लस 50 फिजिकल अटैक मिल जाते हैं जो कि सबसे सही है यार। देखो फिजिक अटैक भी मिल रहा है, मूवमेंट स्पीड भी मिल रहा है, एंड अटैक स्पीड भी मिल रहा है इसमें, तो और क्या चाहिए तुम्हें। एंड उसके बाद तुम्हें मिल जाता है 5% माना रेजियन, ठीक है, फिफ्थ बुल्ड के और मतलब फिफ्थ रूल में तुम्हें मिलता है 5% माना रेजियन, 65% फिजिकल अटैक, तुम्हें 250 HP एंड 10% सीरी रेडिएशन, 5% मूवमेंट स्पीड। देखो यहाँ पर भी तुम्हें मूवमेंट स्पीड के बारे में बताया जा रहा है, मूवमेंट स्पीड इस पर भी तुम्हें मिलता है। एंड उसके साथ साथ में फिजिकल लाइफ साइड में मिलता है 10%, ठीक है, जो कि काफ़ी सही है। एंड तुम्हारा जो लास्ट बिल्ड है उस पर भी तुम्हें 5% मूवमेंट स्पीड मिलता है, 160 फिजिकल अटैक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 40% मूवमेंट स्पीड प्लस 20% है, तो 60 मूवमेंट स्पीड प्लस 5% 65 प्लस यहाँ पर भी 5% है, मतलब 70 मूवमेंट स्पीड, एंड यहाँ पर दोनों मिला के 80 मूवमेंट स्पीड हो गया तुम्हारा। मतलब सोच रहे हो यहाँ पर मूवमेंट स्पीड पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है हांजो का, नॉर्मल जो बस 40 वाले मूवमेंट स्पीड यूज़ करते हैं, बट हांजो के इधर पे तुम्हें यूज़ करने को बोला जा रहा है कि तुम्हें सॉरी 80% यूज़ करना पड़ेगा। सोच रहे हो तुम, इतना ज़्यादा मूवमेंट स्पीड मैटर रखता है हांजो के बिल्ड के और, ठीक है। तो भाई बिल्ड तो तुमने पूरी समझ ली कि बिल्ड का कौन सा बिल्ड तुम्हें यूज़ करना है,
हैंड यही बिल्ड है और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। बाय द वे तुम इसके बदले तो मैजिक डिफेंस भी ले सकते हो, ये वाली बिल्ड बस चेंज होगी मैजिक डिफेंस वाले से इस वाले से, ठीक है। जो भी एथेना शील्ड से चेंज होगी ये वाली, ठीक है। अगर एनिमी ज़्यादा मैजिक डैमेज कर ले तो तुम इसको चेंज कर देना एथेना शील्ड से। बाय द वे यही सबसे सही बिल्ड है, तुम देख सकते हो, एंड मैं इसको टिक कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। हम बात करेंगे हांजो के स्किल्स के ऊपर। देखो हांजो को फर्स्ट स्किल के बारे में तो सबको ही पता है, इससे तुम मॉन्स्टर को ईट करवा सकते हो इजीली लाइक दिस। देखो एक मॉन्स्टर को हांजो बिल्कुल पूरी तरीके से खा लेगा उसका बिल्ड जो होता है, मतलब सॉरी स्किल, फर्स्ट स्किल, एंड जो कि सबसे ज़्यादा बेटर स्किल मैं मानता हूँ। अब ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, स्किल के साथ चलाते इनेमी के बफ को लूटने, जो कि सबसे ज़्यादा नूब होता है काम, क्योंकि अगर इनेमी के बफ को लूटने का टाइम किसी इनेमी ने तुम्हें देख लिया तो भाई मतलब तुम गए उधर पे, ठीक है, वो लोग तुम्हें उधर पे ख़त्म कर देंगे। बाय द वे यहाँ पर तुम्हें हांजो के बैटल स्पेल को काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि हांजो हमेशा से एक हाइपर बेस्ट हीरो है, इसलिए उसका बैटल स्पेल भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बैटल के दौरान, ठीक है। हांजो का फर्स्ट स्किल के बारे में तो तुमने पूरा ही समझ लिया, वो सब बफ के लिए यूज़ होता है, एंड इसका यूज़ तुम मिनियंस के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, मिनियंस को भी इससे तुम ईट करवा सकते हो। बाय द वे इस पे तुम्हें इसका डैमेज तुम्हें लॉर्ड पे भी देखने को मिल जाता है, एंड टर्टल पे भी तुम्हें इसका डैमेज देखने को मिल सकता है इजीली। लाइक अब मैं टर्टल के ऊपर डैमेज करता हूँ तो देख रहे हो टर्टल का पूरा डैमेज खा गया, मतलब बहुत डैमेज दिया टर्टल को। इसका मैक्सिमम डैमेज आई थिंक सो, एक सेकंड में तुम्हें देख के बताता हूँ। ओके तो मिनियंस क्रिप्स एंड लॉर्ड पर ये 900 इतना ही डैमेज देता है बस, ठीक है, तुम यहाँ पर देख लेना 900 डैमेज देगा यहाँ पर, बिल्कुल से पूरा 900 ही डैमेज दे, ट्रू डैमेज देता है ये 900 का। वैसे भी किसी भी क्रिप्स को तो ये इजीली खा लेता है, क्रिप्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई डैमेज, पूरा फुल हेल्थ ही ले लेता है क्रिप्स का, बट ये लॉर्ड्स एंड मिनियंस के ऊपर 900 ही डैमेज दे पाता है। बात करते हैं हांजो के अल्ट के ऊपर। हांजो का अल्ट बहुत ही पावरफुल है, एंड हांजो का अल्ट हांजो का सबसे मेन स्किल है। अब मैं तुम्हें हांजो के अल्ट के बारे में पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। हांजो के अल्ट का सबसे पहला चीज रहा कि हांजो का अल्ट का टाइमिंग एक होता है, एक टाइम के बाद हांजो का अल्ट, देखो तुम ऐसे देख रहे हो कुछ टाइम्स तुम्हें मिल जाता है, एंड उस टाइम के बाद खुद ही हांजो आके उसके आत्मा के साथ वापस से जुड़ जाता है, लाइक दिस हम अभी देखेंगे। तुमने जैसे कि देख लिया कि हांजो का बॉडी हांजो के आत्मा से आके मिल चुका है, तो इसका मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है। अब देखो यार ये लिमिटेड टाइम जो रेड जो लाइन होती है वो तुम्हें वो होता है एक लिमिटेड टाइम। अब उसको कैसे गेन करें, उसको गेन करने के लिए तुम्हें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें क्रिप्स एंड उसको मारना है, मतलब मिनियंस को मारना है तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। इनिमी को जब तुम मारते हो तभी वो लाइन तुम्हें मिल जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, और जब तुम अपने अल्ट को यूज़ करते हो तब भी वो लाइन काफ़ी रिकॉल हो जाती है, तुम देख पा रहे हो। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा हांजो कितनी देर तक टिक सकता है, ठीक है, मैदान पर। अब तुमने हांजो के अल्ट का पहला लफड़ा तो समझ लिया, बट उसका अल्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हांजो का अल्ट का काफ़ी बड़ी चक्कर है, जैसे कि मैं अभी तुम्हें समझाने वाला हूँ। देखो यार हांजो का जब तुम अल्ट को यूज़ कर देते हो तब तुम्हें उसका बॉडी देखने को मिलता है एंड एक उसका आत्मा देखने को मिलता है। अब देखो उसका मेन डैमेज तो उसका बॉडी पर ही होता है, अगर हांजो का बॉडी को किसी ने मार दिया, मतलब मेन बॉडी जो कि पीछे वाली रही, ये वाली तो शांत खड़ी है, अगर इसको किसी ने मार दिया तो हांजो बिल्कुल से मर जाएगा। बट अगर उसके आत्मा को किसी ने मारा जो कि इसके बॉडी से बाहर निकलता है तो भाई हांजो नहीं मरने वाला, जैसे कि तुम्हें भी पता है। हांजो के बारे में और एक कन्फ्यूशन है कि हांजो के दो तरह के यूसेस तुम्हें देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पहले हांजो के लाइकली हांजो में वापस आ जाना, जो कि तुम अच्छा अगर हांजो मर भी जाता है उसका सोल तो वापस से आ जाता है, बट कभी कभी देखते हो कि हांजो में डायरेक्टली ऐसे टेलीस्पोर्ट हो जाता है, ठीक है, उसके सोल में हांजो डायरेक्टली चला आता है, तब उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो तुम्हें जब अल्टी यूज़ करते हो तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन होते हैं अल्ट की साइड में, सबसे ऊपर वाला जो है जो कि मैं मार करके दे रहा हूँ उस पर तुम क्लिक करते हो तो हांजो डायरेक्टली अपने सोल के अंदर घुस जाता है, जैसे कि तुम देख रहे हो। एंड या अगर तुम नॉर्मली वाला अल्टी यूज़ करते हो तो हांजो अपने बॉडी पे वापस आ जाता है, तो ये लफड़ा आई थिंक सो मैं समझ आ गया होगा, अगर तुम एक बार ट्राई करोगे तो तुम्हें बिल्कुल से समझ आ जाएगा। अब तुमने हांजो के नॉर्मल बॉडी के स्किल को तो समझ लिया, अब उसके अल्ट का स्किल यूज करने के बाद जो उसके एक्स्ट्रा दो स्किल आते हैं मैं उसको समझाता हूँ। देखो हांजो का जब तुम अल्ट यूज करते हो तो उसके पास एक कटर आ जाता है जो कि कहीं पर भी कट कर सकता है। अब देखो ऐसे मैं कट कर रहा हूँ तब देख रहे हो ये काफ़ी टाइम तक कट करता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक कट करता है जब तक इनेमी इस एरिया के अंदर हो, लाइक कि इनेमी अगर भाग रहे हैं एंड तुमने इसको यूज़ किया तब इन्हें भागने के बाद ये बंद होने वाला है, ठीक है, मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूँ।
अभी इनमी भाग रहा है एंड मैं अपना सेकेंड स्किल यूज करूंगा सोल के बाद। अब देखो जब इनमी उस एरिया के अंदर से चला जाएगा तब हम तो ऑटोमेटिकली अपने ये अटैक बंद कर देने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं सोल में जाने के बाद हांजो का फर्स्ट स्किल के बारे में। देखो हांजो का फर्स्ट स्किल काफी हद तक सही डैमेज देता है, बस मैं 5 फिजिकल अटैक देने हैं इनमी के ऊपर, मतलब फिजिकल डैमेज, और उसके बाद तुम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब और एक चीज जो कि ज्यादातर हांजो यूजर्स को नहीं पता जो कि न्यू आए हैं, हांजो का सोल कहीं से भी निकल सकता है। लाइक हांजो का सोल पत्थर के आर पार भी जा सकता है एंड ये काफी प्लेयर्स गलती करते हैं कि ऐसे करके ऐसे भागते हैं, तो ये नहीं यार, हांजो का जो सोल है वो कहीं पर भी जा सकता है। लाइक वो एक आत्मा है तो आत्मा आर पार जा सकता है पत्थर के, एंड इसी को साबित करता है हांजो का सोल। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई एंड मुझे इस वीडियो में गेम प्ले चैप्टर एक ऐड करना था जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर पाया। भाई देवे कोई बात नहीं यार, कल परसों मैं उस गेम प्ले चैप्टर को अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर। भाई देवे गाइस, अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आई थिंक तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड या चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हें मोबाइल लेंस की हिंदी ट्यूटोरियल वीडियो सिर्फ इस चैनल पर ही मिलती रहती है। तो चलो यार आज के वीडियो खत्म करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सोलार्स बाय मीट यू अगेन।